हेलो दोस्तों, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन का मसूर पाक बनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, एक कटोरी चीनी और सेम ही मेजरमेंट रखा है, आधी कटोरी मैंने पानी और एक कटोरी के करीब मैंने प्योर देसी घी लिया है जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है, बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। और ये झटपट फटाफट बनने वाली मिठाई है। जब भी आपके घर में कोई दोस्त और मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको तुरंत घर में बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक मैंने ऐसे प्लेन भगोना लिया है, उसमें सबसे पहले ये एक कटोरी जो मेरा बेसन है उसको डालूंगी। और ये मिठाई जरूर बनाइएगा दोस्तों, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इधर मैंने जो ये कढ़ाई में प्योर घी लिया है उसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब घी और बेसन मैं एक साथ डाल रही हूँ। घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हुआ है धीमी आंच में। दोस्तों घी को बहुत अच्छे से गर्म करना है, इसको ऐसा नहीं कि धीमी आंच में बस हल्का सा कुनकुना करके डालिए, वो नहीं, इसमें खोल जाना चाहिए घी। सॉफ्ट करके बेसन में घी डालना है, धीरे धीरे, बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा ये काम। और हल्के हाथों से इसको चलाना है, एक साथ लगातार नहीं चलाना है, बस हल्के हाथों से एक ही तरफ एक ही दिशा में इसको चलाना है। घी और बेसन को हमने मिला लिया है और तीन से चार बार ही चलाना है इसको, बहुत ज्यादा नहीं चलाना है। घी इतना गर्म है हमारा कि उसमें बेसन हल्का भुन जाएगा। अब इसको एक तरफ रख देंगे बिना कुछ हिलाए। गैस ऑन करते हैं, इसमें सेम कटोरी से जो मैंने मेजरमेंट किया है चीनी लिया है इसको डाल रही हूँ। और आधा कटोरी पानी लिया है उसको डाल रही हूँ। अच्छे से चलाते हुए हमें इसकी एक तार की चाशनी तैयार करनी है। चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है, देखते हैं। देखिए ऐसी तार बन रही है, एक तार की चाशनी हमें बनानी है इसमें। और ये जो हमारा बेसन था जिसको हमने घी के साथ मिक्स करके एक तरफ रख दिया था, इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। और इसको इसी चाशनी में हमें धीरे धीरे मिलाना है। गैस को मीडियम में ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना और चलाते रहना लगातार। एक तरफ मैंने पांच से छह प्योर देसी घी लिया है चम्मच, इसको भी धीमी आंच में गरम कर लेते हैं। और इसका डालने का मैं बताती हूँ कब डालना है हमको इसमें। देखिए ये बर्फी बनाने का हमें सही तरीका पता चलने लगता है, क्योंकि ये चीनी और बेसन कढ़ाई छोड़ रही है, एक तरफ से ये व्हाइट व्हाइट आ रहा है। तो हमने जो घी इधर गरम करने के लिए रखा है उसमें एक एक चम्मच डालते रहना है। और फिर चलाना है जिसमें
इसकी जाली बन जाएगी। फिर हमें चारों तरफ डालना है। फिर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। कढ़ाई के किनारे देखिए, ये सफेद सफेद टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब कि हमारी सोन पापड़ी तैयार हो रही है, मैसूर पाक। अभी जो बचा हुआ घी है, अच्छे से पकड़ के इसको सावधानी पूर्वक डाल दीजिए पूरे बेसन में। देखिए बबल्स निकल उठ रहे हैं व्हाइट कलर के, और हमारी जाली भी बन रही है। बहुत ही अच्छा मसूर पाक बनने वाला है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मिठाई है हमारी। देखिए व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है किनारे, ये जाली बन रही है हमारी। और भी घी बचा हुआ है तो उसको भी पूरा मैं डाल दूंगी। ऐसा नहीं है कि इसको प्योर घी में ही बनाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं, प्योर घी में भी बना सकते हैं, बट प्योर घी में इसका स्वाद बढ़ जाता है, बाकी आपके ऊपर है। ये देखिए जाली बहुत अच्छी हमारी तैयार हो रही है। ये देखिए बहुत अच्छी उबाल आ रही है और जाली भी बन चुकी है हमारी। इधर मैंने एक प्लेट में ग्रीस करके ऑयल लगा लिया है, रख लिया है। अब ये मैं फटाफट इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ प्लेट में। आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी जाली बनी है और कितना अच्छा कलर आया है। और फिर इसको सेट होने के लिए रख देना है। लीजिए फटाफट हमारी मिठाई तैयार हो गई है मैसूर पाक। अभी मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ, तब तक इसको रेस्ट देने देती हूँ आधे घंटे के लिए, ठंडा होने के बाद कट करती हूँ। हल्का ठंडा हो गया है तभी हमको इसको कट करना है। आप अपनी मर्जी के अनुसार इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ये नहीं कटेगा, इसलिए हल्का ठंडा में ही इसको काटिए। देखिए बहुत अच्छे से कट भी हो रहा है। मैंने कट कर लिया है, अब इसका मैं दिखाती हूँ निकाल के हम अपनी जाली कैसी बनी है और कितनी आराम से निकल रही है। ये देखिए इसकी जाली, और बहुत ही सॉफ्ट है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। मैं इसको अलग प्लेट में रख के दिखा रही हूँ आपको। आप अपने अनुसार पीस कट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जो भी आपको शेप पसंद हो। मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी आराम से टूट रही है। तो जब भी दोस्तों आपके यहाँ कोई मेहमान तुरंत आने वाले हो और आपके घर में कोई मिठाई नहीं हो, तो आप बेसन चीनी और घी की मदद से ये फटाफट मैसूर पाक तैयार कर लीजिए और उनके आगे सर्व करिए। वो भी बहुत खुश होंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अपने हाथों से तैयार की है मिठाई। बाय। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे वेट रहेगा। मैं आपके लाइक्स रोज देखती हूँ, कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।